हेलो स्टूडेंट, जेई एडवांस 2019 का समय आ गया है। लास्ट थ्री डेज हमारे पास हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेज होते हैं क्योंकि लास्ट फ्यू डेज में हम अपने आप को किस ढंग से मेंटली प्रिपेयर करते हैं एग्ज़ाम्स, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपसे मैं पूछूँ या आप खुद एक बात को एनालाइज करें कि कॉम्पिटिशन लेवल देखें तो जेई मेन्स में कम है या जेई एडवांस में कम है, तो देखिए एक बात समझिए, आप सब वो लोग जो जेई एडवांस दे रहे हैं वो ऑलरेडी जेई मेंस को क्वालिफाई करके गए। अब कुछ रियलिस्टिक फैक्ट जो आंकड़े हैं वो आपने देखे होंगे, लगभग 72,000 स्टूडेंट ने जेई एडवांस के लिए अप्लाई ही नहीं किया, यानी जो 2.45 लोग्स को 2.45 के आसपास कॉल आया था जो एडवांस के लिए एलिजिबल थे, उसमें से लगभग 30% लोगों ने अप्लाई ही नहीं किया। और मैं आपको ये बात क्यों बोल रहा हूँ, जरा आप सोचिएगा कि आप इस एग्ज़ाम में सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि जेई मेंस के कंपेयर में जेई एडवांस में कंपटीशन कम है। आपको बात सुन के अजीब लगेगी पर ये सेशन आप पूरा सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो मैं कीवर्ड बोल रहा हूँ, अगर इस बात को दिमाग में रख के आप पेपर देने गए तो जब आप एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलेंगे तो आपको मेरा आज का ये सेशन भी याद आएगा और आपका रिजल्ट भी आपको समझ में आ जाएगा कि कितना अच्छा आएगा। कुछ बेसिक फ्यू पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा लास्ट मिनट में कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो नंबर वन, कि कोई भी एग्ज़ाम सबसे पहले इस बात पर डिपेंड करता है कि आप साइकोलॉजिकली कितने स्ट्रांग हो, और जेई एडवांस तो पूरा इसी पे बेस्ड है। क्यों है? क्योंकि आप खुद देखिएगा कि 2.45 लोग एलिजिबल थे पर फिर भी लगभग 1,72,000 के आसपास लोगों ने अप्लाई किया, और इसमें से भी यानी लगभग 30% लोगों ने अप्लाई नहीं किया। और इसमें से भी जिन्होंने अप्लाई किया है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड देखें तो 10-20% लोग एग्जाम सेंटर तक नहीं जाते। इसका मतलब नंबर वन कि पहले तो 10 लाख लोग जो जेई दे रहे थे उसमें से केवल 2.5 लाख लोग लगभग क्वालिफाई किए, उनमें से भी 50% लोग देने नहीं जा रहे। आप खुद देखिए कॉम्पिटिशन कहाँ पर ज़्यादा था, वहाँ पर या यहाँ पर, ये गेम है। फिर इस मैंने जो आपको बात बोली, 30% ने अप्लाई नहीं किया, 10-20% एग्जाम देने नहीं जाएंगे, 10-20% नेगेटिव पॉइंट मेंटेलिटी के साथ हो सकता जाएं, 10-20% बहुत ही लीस्ट एनर्जी के साथ जाएं। इसलिए ये सेशन का मेरा पर्पज है कि अगर एक आप हाई लेवल पॉजिटिव एनर्जी के साथ एग्जाम देने जाएंगे तो आपको पता नहीं आप क्या कराएंगे। क्यों? क्योंकि जेई एडवांस का एग्जाम केवल आप उसको कभी भी देखेंगे तो फील जो फर्स्ट आएगी वो हमेशा टफनेस वाली आएगी। ऑब्वियसली मेंस से उसका लेवल ज़्यादा होता है, बट अगर मैं बोलूँ तो उसमें और बेसिक चीज़ों में जाना पड़ता है। यानी मैं इसलिए हमेशा एक बात बोलता हूँ, इसलिए आप अगर चाहें तो आप लास्ट ईयर के पेपर का एनालिसिस देख लें एक बार, आप समझ पाएंगे कि और ज़्यादा बेसिक पढ़ने की जरूरत होती है जब हम जेई एडवांस की बात करते हैं। हम टफ क्वेश्चन पे ज़्यादा मूव करते हैं, मैं हमेशा इसको उल्टा चलता हूं। हम बेसिक पे वर्क करें, हम फाउंडेशन पे वर्क करें, जितना स्ट्रांग फाउंडेशन होगा क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच उतनी ज़्यादा डेवलप होगी। दूसरी बात, आप एक चीज़ याद रखिए, आपको दो पेपर देने हैं एक ही साथ, टेम्परेचर वैसे ही बहुत हाई है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसे में इन दोनों पेपर में परफॉर्मेंस कैसे दें, तो वो चीज़ें भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत अच्छे से समझिए, बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी आपने, बहुत सारी टेस्ट मिल गई होंगी, पर जो बात मैं बोलना चाहता हूँ आपको वो बात आप समझेंगे तो आप इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। वो सारी बातें भी सही होंगी जो आपने सुनी होंगी, जो आपके सीनियर्स ने भी बताई होंगी, पर जो मैं बात बोल रहा हूँ कि आपकी टफनेस लेवल, आपका मेंटल लेवल इस पेपर का डिसीजन लेगा कि आप कितना अच्छा करके निकलेंगे। नंबर वन थिंग कि जब हम जेई एडवांस देने जाते हैं या जाएंगे तो हमें यह बात ध्यान रखनी कि सिलेबस वही है जो 11-12 का जेई मेंस का था। क्वेश्चन का पैटर्न डिफरेंट होता है, क्वेश्चन की सॉल्विंग अप्रोच डिफरेंट हो सकती है, पर सिलेबस वही होता है। उस सिलेबस की और डीप नॉलेज की जरूरत होती है। देखिए जब हम बात करते हैं 11-12 की, बहुत कम पढ़ना होता है, बहुत ही अलग तरीके से। जब हम जेई मेंस की बात करते हैं तो कुछ और हायर लेवल की स्टडी, पर जब हम एडवांस लेवल की बात करते हैं तो बहुत ही माइनर चीज़ों पे आपका फोकस होना चाहिए जब आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो आप एक बात ध्यान रखिए कि जो सिलेबस आपने पढ़ा है वही सिलेबस आने वाला है। दूसरी बात, कंपटीशन पहले 10 लाख लोगों में था, अब 1.5 लाख लोगों में, यानी आपने पहले ही बहुत लोग कम हो चुके हैं। इतने से लोगों में आपको फाइट करनी है 10-12 हज़ार सीट के लिए, तो आप खुद सोचिए कि कितना रेशो बढ़ गया अच्छा परफॉर्मेंस देने का। और मैं आपको बता रहा हूँ इसमें भी बहुत लोग नेगेटिव माइंड से जाते हैं, इसलिए आपका एक माइंड पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी बात, लास्ट 2-3 डेज जितना फ्रेश माइंड रह सकते हैं उतना रहिए। मतलब अगर हो सकता है, जैसे आज ही अगर आप सेशन सुन रहे हैं तो एक दिन और अगर आप कुछ कर सकते हैं तो मैं बस इतना बोलूँगा कि 2018 का पेपर
सॉल्व कर लीजिए, और वो आपने ऑलरेडी करा होगा पर दोबारा करिए। जब आप दोबारा करेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो पेपर पूरा बनता है। पता है क्यों? क्योंकि वो पेपर आप पहले देख चुके हैं। अब जब आप ये पेपर देने जाएं तो आपको मैं एक चीज़ बोलूँगा, ऑनलाइन एग्जाम जरूर है फिर भी एक बार क्वेश्चन पे इमेजेस देख लें। हर क्वेश्चन को अगर आपने देख लिया और फिर सॉल्व करने चालू किया तो वो पेपर जो नया था वो आपने पुराना बना लिया, यानी जो पेपर पुराना होता है उसमें हम कंफर्टेबल होते हैं। दूसरा, कई सारे क्वेश्चन सिमिलर होंगे जो आपने प्रैक्टिस के लिए किए होंगे एडवांस में। नॉर्मली रिपीट क्वेश्चन नहीं आते पर सिमिलर क्वेश्चन तो आते हैं, कंसेप्शुअल क्वेश्चन तो आते हैं। तो कंसेप्शुअली कितने स्ट्रांग हो इस पे डिपेंड करता है। केमिस्ट्री के लिए स्पेशली आप देख रहे हैं कि एनसीईआरटी की बुक बहुत हेल्प कर रही है, इवन फिजिक्स के लिए भी, पर मैथ्स में कई बार हम थोड़ा हाई लेवल पे जाना पड़ता है। अब बात आती है कि फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आप देंगे उसमें ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट क्या रखें। फिर मैं बोलूँगा कि PCM होना चाहिए या CMP होना चाहिए या CPM होना चाहिए या क्या, ये डिपेंड करता है। देखिए तीन सब्जेक्ट हैं, अगर थ्री सब्जेक्ट को अरेंज करेंगे तो क्या होता है, फैक्टोरियल थ्री यानी सिक्स वेज हैं हमारे पास। हम किसी भी ऑर्डर में पेपर सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंड कि जो सब्जेक्ट आपका अच्छा हो। देखिए प्रैक्टिस के समय जो चीज़ नहीं बनती मैं हमेशा बोलता हूँ उसे पकड़ो पहले, और क्योंकि परफॉर्मेंस बढ़ेगी वो आदत पड़ेगी। पर जब फाइनल पेपर दे रहा हो तो रिवर्स, जो आता है पहले वो फिर सोचेंगे क्या नहीं आता। दूसरा, पेपर देख के चाहे आपको कितने भी कम क्वेश्चन क्यों ना आते हो, आप ये थॉट मत लाना कि क्या नहीं आता, ये थॉट लाना क्या आता है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल मैंने आपको बोला सारा गेम है, यानी आप किस माइंड से सोचते हैं ये एक चीज़ डिपेंड करेगी। आपको 10% 20% 30% 40% जितना परसेंट आता है 50% पहले उसकी चिंता करना, फिर सोचेंगे 40 50 60 बचे हुए का क्या करना है। क्योंकि एक बार ये हो गया तो ये कॉन्फिडेंस ही आपको अगला पेपर करवाने वाला, मतलब बचे हुए पार्ट का कुछ पार्ट करवाएगा। दूसरा, फर्स्ट पेपर के बाद जब आप निकले एग्जामिनेशन सेंटर से, इवन पहले पेपर में भी जाने के समय, जाने के बाद किसी से बात नहीं करनी, बट सेकेंड पेपर जैसे ही फर्स्ट पेपर दे के निकलेंगे आप 12 बजे, क्या क्या करना है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर वन, पेपर वन कैसा गया है भूल जाइएगा, पेपर वन मतलब शिफ्ट वन की बात कर रहा हूँ, अच्छा गया है बुरा गया है, कितने राइट हैं कितने रॉन्ग हैं सब दिमाग से निकाल दीजिए। और किसी से भी इवन अपने घर वालों से भी ये बात भी नहीं करनी कि पेपर कैसा हुआ, बल्कि करना ये है बाहर निकलते ही एग्जामिनेशन सेंटर से आपको कुछ हल्का फुल्का खाना है और आधे घंटे के लिए हेड डाउन करके जिस जगह भी हो उस जगह पर आप आधे घंटे हेड डाउन करके, अगर झपकी लग गई तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, रेस्ट कर लीजिए और उसके बाद अच्छे से मुंह धोइए पानी से, और उसके बाद हो सके तो चाय कॉफ़ी कोई भी एक एनर्जी ड्रिंक लीजिए, कोल्ड ड्रिंक मत लीजिएगा, चाय कॉफ़ी से ज़्यादा आप एक्टिव होंगे मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसलिए खाना भी ज़्यादा नहीं खाना। और सेकंड पेपर को जाते समय, क्योंकि ये आपने ये रेस्ट किया है, आप पुराने पेपर के थॉट को निकाल के फिर सेकंड पेपर को जाएं और फिर नए सिरे से अपने आप को जुटा दें, फोकस करके जुटा दें। याद रखिएगा कि अगर आपका फर्स्ट पेपर अच्छा गया है तो बहुत अच्छी बात है, पर अच्छा नहीं गया तो जरूरी नहीं कि सभी का अच्छा गया नहीं गया होगा या सबका अच्छा गया होगा, हमें कुछ नहीं पता होता है। पर याद रखिए अगर पेपर टफ है तो सभी के लिए, इजी है तो सभी के लिए, तो कोई माइंड सेटअप करके जाओगे तो प्रॉब्लम है। तो जब आप सेकंड पेपर के लिए इंटर हो रहे हो तो फर्स्ट पेपर में क्या किया उसको भूल के सेकंड पेपर में नए सिरे से फिर से जुट जाइए, और देखिए आप जब बाहर निकलेंगे तो आपके थॉट आपके पेपर का परफॉर्मेंस कुछ अलग ही होगा। इसी माइंड सेटअप के साथ पेपर देने जाइए, और आखिरी दिन, आखिरी दो दिन बल्कि मैं बोलूँगा ना पढ़ें तो अच्छा, पर एटलीस्ट संडे के दिन तो कुछ भी ना करें तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए, बिल्कुल कुछ भी ना पढ़ें और लाइट म्यूजिक सुने, कोई गेम खेलें, गेम खेलने से इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, इस क्रिकेट वगैरह कुछ भी कोई भी गेम, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, स्विमिंग, उससे आपका माइंड जितना न्यूट्रल होगा, क्योंकि आप याद रखिए बाकी सब एग्जाम से ज़्यादा यहाँ तीन सब्जेक्ट हैं, तीनों सब्जेक्ट को रिकॉल करने में बहुत टाइम लगेगा अगर आपने माइंड को फ्रेश नहीं किया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, वो भी जेई मेंस एडवांस का एग्जाम दे रहे हैं। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को फ्रेश माइंड के साथ जाएं एग्जाम देने। और दूसरा, सेकंड पेपर में ऑब्वियसली पहले पेपर के कंपेयर में थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस डाउन हो सकती है, पर वो डाउन ना हो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक आधे घंटे की शॉर्ट पावर नैप लें, उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत अच्छे से पेपर दीजिए और कुछ अभी थॉट दिमाग में मत लाइए, क्योंकि आप कभी ये कई बार बच्चे जैसे मुझसे पूछते भी हैं कि ड्रॉप ले लें क्या IIT के लिए, ऐसा लग रहा है कि इस बार एडवांस में अच्छा नहीं होगा या क्या, ये सब छोड़ दीजिए। मुझसे तो किसी भी बच्चे ने पूछा जो एलिजिबल था एडवांस देना चाहिए कि नहीं, मैंने बोला बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि आप बिना लड़ाई हार मान गए तो कोई फ़ायदा नहीं। आप कभी भी प्लेयर से सीखिए, कभी भी वर्ल्ड कप अभी जैसे होने वाला है, आपको पता है कि 10 कंट्री खेलने जाने वाली है, 12 कंट्री खेलने जाने वाली है,
कोई एक ही वर्ल्ड कप जीत के लाएगा, फुटबॉल मैच होता है 32 कंट्री की टीम जाती है खेलने, कोई एक जीत के आएगा, पर क्या बाकी सब निगेटिव माइंड से खेलते हैं? नहीं, सब अपना 100% एफर्ट देते हैं, इसलिए जो लास्ट वर्ल्ड कप जीता हो सकता है उसकी जगह कोई इस बार नया जीते और यही पुरानी हिस्ट्री चली आ रही। तो आप कोई साइकोलॉजिकली अपने आप को सेट करके मत जाइए, बस एक बात सेट करके जाइए, जो आता है वो करके आएंगे और आप केवल उन बचे हुए 10 लाख लोगों में से 1.5 लाख लोगों में हो जो एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी पहले ही कॉम्पिटिशन आप में बहुत कम है आपके पास, तो घबराने की जरूरत नहीं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड सब कुछ बदल देगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।